चलिए हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। एलिसिटेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, एलिसिटेशन टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक्स हैं जो जिसे आप मीटिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट ले लेते हैं। तो मोस्टली वी यूज इंटरव्यू, वर्कशॉप एंड फोकस ग्रुप। क्वेश्चन आयर मेंशन है, ये थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। ये टेक्निक्स हैं लेकिन ये बहुत ही कम यूज होती हैं। ये खास तौर पे वंस यू हैव पीपल अवेलेबल, तो इसमें तो आप यूज नहीं करते हैं। आप कहाँ यूज करते हैं, जैसे कस्टमर अमेरिका में बैठा हुआ है और डेवलपमेंट टीम अगर पाकिस्तान में है, तो ईमेल या क्वेश्चंस या इस तरह से आप एक्सचेंज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि वन टू वन मीटिंग जरा मुश्किल हो पाती है बिकॉज ऑफ द टाइम चैलेंजेस। ठीक है, तो ये है सिस्टम इंटरफेस हम पढ़ लेंगे अभी। सिस्टम इंटरफेस क्या होती है कि अगर आप जो सिस्टम बना रहे हैं वो किसी और सिस्टम से इंटीग्रेट होगा, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये सिस्टम स्टैंड अलोन होगा या किसी बड़े सिस्टम का पार्ट बनेगा। तो जैसे अभी हमने कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम को पढ़ा था, तो उसमें ये था कि जाके पेरोल से इंटीग्रेटेड होगा क्योंकि आपकी जो पेमेंट है वो आपकी सैलरी से हो जाएगी, या फिर वो कैफेटेरिया के इन्वेंट्री से। तो ये पहले से पता होना चाहिए कि इंटरफेस कैसे होगा, कौन सी इंफॉर्मेशन पुल होगी, कौन सी इंफॉर्मेशन पुश होगी, खींच के लाएंगे ना आप डेटा से, और कौन सी चीज़ आप उसमें डालेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, उसकी लेंथ क्या है, उसका डेटाबेस क्या है, कौन सी लैंग्वेज में हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ये आपको पता होना चाहिए। यूजर इंटरफेस जो भी आप यूज करें, सॉफ्टवेयर की यूजर इंटरफेस, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि एक है फंक्शनैलिटी और दूसरी उसकी नेविगेशन कितनी आसान है, कितनी स्वीट है। ठीक है, तो ये हम जरा पढ़ लेते हैं। तो हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी शायद, आई गेस इंटरव्यू वर्कशॉप तक हम पहुंच गए थे, फिर हमने रोक लिया था, तो हम आगे सीखते हैं। इंटरव्यू में हमने पढ़ा था कि भाई जाने से पहले आप रेपोर्ट बना लेंगे या रिलेशनशिप बिल्ड कर लेंगे, तो इससे क्या आसानी होगी, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे लास्ट टाइम किसी ने कल पूछा था कि भाई ये क्या चीज़ आनी चाहिए रिक्वायरमेंट देने के लिए, तो मैंने बताया था कि भाई आपको डोमेन की नॉलेज आनी चाहिए और आपको पीपल हैंडलिंग आनी चाहिए बिसाइड्स रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मतलब डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, मॉडलिंग टेक्निक्स कैसे होगी, ट्रेसेबिलिटी कैसे होती है इन, और वो हर एक को नंबरिंग कैसे होती है, दैट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। लेकिन आपको जब आप रिक्वायरमेंट लेने जाएं तो आपकी रेपोर्ट बनी हुई हो, आपको पता हो बहुत सारी चीजें, आपको एजेंडा पता हो, आपको ऑब्जेक्टिव्स पता हो, आपको स्कोप का बहुत पता हो। ठीक है, तो इन स्कोप, ये एक इम्पोर्टेंट काम है, वरना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। फिर जाने से पहले जितना होमवर्क करेंगे, जितना तैयारी कर लेंगे, फोकस करेंगे, उतना आप अच्छा सवाल पूछ पाएंगे। ठीक है, तो बिफोर यू गो आप तैयारी करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, उनसे ये पूछना है बस, बाकी सारी चीजें मुझे मालूम हो गई, ये पूछना है मुझे। तो जाहिर सी बात है, जब ये पूछना है तो फिर इसमें आपका टाइम जो है ना वो कम से कम लगेगा और आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेकर आ जाएंगे, वरना फिर वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। वो यूजर जिस तरह से ड्राइव करेगा वो ड्राइव करेगा, अच्छा यूजर एक ध्यान में रखिए कभी प्रिपेयर नहीं होगा आपके लिए, तो वो बहुत सारे वक्त को जाया करेगा। ठीक है, तो ये बहुत होता है। अभी भी हम जब रिक्वायरमेंट लेने जाते हैं, खैर मैं अब नहीं जाता हूँ, लेकिन कभी कभी अगर जाता हूँ भी, तो सिर्फ ये डिटरमिन करने के लिए हम क्या आए हैं और क्यों करने हैं, अच्छा आप ये नहीं करेंगे, अच्छा आप ये नहीं करेंगे, तो ये समझाने में ही 15 मिनट लग जाते हैं कि भाई हम ये नहीं करेंगे और ये करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करता है। तो इसमें आपको ना उसकी एक्सपेक्टेशन सही करनी होती है और उसकी माइंडसेट को फोकस कराना होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये फिर हमने पढ़ा था सजेस्ट आइडियाज, यानी हमने कहा था कि लोग जो है अपना दिमाग ज्यादा लगाना नहीं चाहते हैं किसी चीज में, तो वो चाहते हैं कि उनको कोई पकी पकाई चीज मिल जाए। तो पकी पकाई चीज का मतलब है कि प्रॉब्लम सोचा आपने, एनालाइज किया, उसमें सोल्यूशन प्रपोज किया। ठीक है, तो सोल्यूशन प्रपोज करके फिर आप उसके आइडिया ले लें, सही है गलत है। ठीक है, तो ये अच्छा है, गुड आइडिया। ठीक है, तो ये आपने अपनी जिंदगी में भी देखा होगा कि प्रॉब्लम आया तो आप जाके प्रॉब्लम बता दें, तो फिर उस
पूछेंगे जी अब बताइए क्या करना है, तो प्रॉब्ली ही और शी वुड नॉट हैव दैट आइडिया, क्योंकि आपने तो अभी प्रॉब्लम बताया, मुझे सोचने दीजिए। बेहतर तरीका यह है कि आपने प्रॉब्लम बताया और दो सोल्यूशन बता दिए, सर ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, तब उसमें वो सोच के हाँ ये वाला बेहतर तरीका है, ठीक है। तो प्रपोज आइडियाज ये हमने बात की थी, ये लोगों को इसको सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन बहरहाल किसी भी इंटरव्यू में किसी भी मीटिंग में किसी भी वक्त अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, तो लिसनिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा। देर आर पीपल जो कि दे आर नॉट गुड लिसनर एंड दे आर नॉट गुड लर्नर। दुनिया में जितना सीखा जाता है वो सुनने के बाद ही सीखा जाता है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ तो आई एम नॉट लर्निंग, लर्निंग इसकी हो रही है जो सुन रहा है, प्रोसेस कर रहा है, दिमाग में उसको मेमोरी में डालता जा रहा है, तो दैट्स हाउ यू लर्न, ठीक है। तो सुनना, उसको प्रोसेस करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, ये एक हैबिट है जो आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों में हैबिट नहीं होती है और वो बहुत अपने प्रोसेसर को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपनी जुबान को और अपने कानों को, तो जुबान को इस्तेमाल करते हैं, कानों को तो खैर मतलब वो तो अगर कोई बोलेगा तो सुननी पड़ेगी, लेकिन वो प्रोसेसर को कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर आईज, ईयर्स एंड माउथ, ये तीनों चीजें कनेक्ट होनी चाहिए आपके माइंड से, ठीक है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक पूरी एक्सरसाइज है एक्टिव लिसनिंग की। अगर ये आपकी वीक है तो मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल ये है कि आप लोगों के साथ बैठेंगे तो आपको वो 5 मिनट तक कुछ बोलता रहेगा, फिर मैं सुनने के बाद बोलूंगा कि इस पूरी गुफ्तगू का ये मतलब था, कहेंगे हाँ ये मतलब था। तब आप एक सुनिए कि क्योंकि मेरा प्रोसेसर इनेबल है और मैं बहुत गौर से सुन रहा हूँ और मैं नोट कर रहा हूँ कि ये क्या कह रहा है, लेकिन वो सारी बातें जो 5 मिनट में कही वो एक जुमले में कही जा सकती नहीं, बिकॉज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द माइंड एंड टंग वॉज लूजली कपल्ड, ठीक है। तो ये इसी तरह से पैराफ्रेजिंग, तो जो कुछ आपको कहा जा रहा है उसको आप सुनिए और कहिए कि यही सवाल पूछे ना, आप सवाल समझ में आएगा तो फिर मैं जवाब दूंगा। मैं इसको लास्ट टाइम भी किया था और इस दफा भी कह रहा हूँ कि ये हैबिट अगर बनाएंगे तो यू टेंड टू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन। अगर ये चीज वीक है आपकी तो प्रॉब्ली, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, आप वो बात कहें लोग सुनना चाहें, ऐसा ना हो कि आप कह रहे हो और लोग सुनना ना चाहें। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों की सुने, प्रोसेस करें और जवाब दें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इंटरव्यू हो गया, वर्कशॉप, वर्कशॉप में एक से ज्यादा लोग होंगे, ठीक है। तो वर्कशॉप इसीलिए, तो रिक्वायरमेंट वर्कशॉप इज ए स्ट्रक्चर्ड मीटिंग इन विच केयरफुली सिलेक्टेड पीपल। अब ये केयरफुली सिलेक्टेड का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि कौन लोग हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, या आपने स्टेक होल्डर एनालिसिस में जज कर लिया होगा कि कौन लोग हैं जो शामिल होना चाहिए, ठीक है ना, उनकी कितनी एक्सपर्टीज है। तो वो लोग हैं जो हेल्प करेंगे आपको ये चार चीजों में, डिफाइन, क्रिएट, रिफाइन या क्रिस्टलाइज एंड रीच क्लोजर, ठीक है। तो ये है। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको कि ये आप रिक्वायरमेंट तो ले रहे हैं बट एक ओवरऑल प्रोसेस होगा ना, जिसको आप SDLC कहते हैं, प्रोसेस क्या होगा। जब प्रोसेस बनता है तो प्रोसेस में प्रोसेस के साथ कुछ कंट्रोल्स भी होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा आपने कि रिक्वायरमेंट लेने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कौन बताएगा, कौन रिव्यू करेगा और कौन अप्रूव करेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं गवर्नेंस, प्रोसेस एंड देयर डिसीजन मेकिंग। अगर ये डिफाइन नहीं है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है ना, मतलब इधर से उधर भागते रहेंगे, सर मैं किससे अप्रूव कराऊं, क्या करूं। तो दैट हैज टू बी डिफाइंड, क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। तो कौन से लोग हैं, कौन से लोग लेने हैं, कौन से लोग नहीं लेने हैं, ये बहुत क्रिटिकल है। इसलिए अगर आपने रॉन्ग स्टेक होल्डर को सिलेक्ट कर लिया तो वो आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक है। वर्कशॉप और फैसिलिटेटेड सेशंस, अब ये BA जो है ना एक फैसिलिटेटर का और ट्रांसलेटर का रोल लेगा बिटवीन द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो वो लोगों को समझाएगा, बातें करेगा, ये सही है ये गलत है, ठीक है, रोकेगा, सारा कुछ करेगा। तो ही इज अ फैसिलिटेटर, जिस तरह से बहुत सारे लोग बात कर रहे हो तो एक मॉडरेटर होता है ना, इस तरह का रोल है उसका।
ठीक है, द वर्कशॉप ऑफन इंक्लूड सेवरल टाइप्स ऑफ स्टेकहोल्डर्स, यूजर भी हो सकते हैं, डेवलपर भी हो सकते हैं, टेस्ट इंजीनियर हो सकते हैं, तब इन सबको मॉडरेट करने का काम, फैसिलिटेट करने का काम ये आपका है। ठीक है, अभी कुछ टिप्स हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्कशॉप और ये सारी चीजें आपने और पढ़ी होंगी शायद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में या किसी और कोर्स में, लेकिन यहाँ मैं आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से सिखा रहा हूँ कि क्या है। ठीक है ना, तो देयर आर द टिप्स। तो एस्टैब्लिश एंड एनफोर्स ग्राउंड रूल्स। ग्राउंड रूल्स क्या है पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि व्हाट आर द ग्राउंड रूल्स, ताकि आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स ने दिए स्टार्ट डेट, स्टार्ट एंड एंडेड टाइम। तो अभी डिफाइन होना चाहिए, जो भी उठ के आ रहा है सारा कुछ करके आ रहा है उसको मालूम होना चाहिए एक घंटे की मीटिंग है या ज्यादा से ज्यादा डेढ़ घंटे की मीटिंग है। अभी मैंने जानबूझ के उसके लिए लिखा है कि लोगों की एडवाइस, एक्सपर्ट्स की एडवाइस ये है कि लंबी लंबी मीटिंग ना करें, दो घंटे से ज्यादा ना करें। ठीक है, फिर वो फालतू बातें होना शुरू हो जाती हैं और डिस्ट्रेक्शन शुरू हो जाती है और किसी को कहीं और उठ के जाना है, कोई और काम करना है, तो वो मेंटली इंगेज रहेगा कि कब जान छूटे और मैं जाऊं। तो फोकस करने का तरीका ये कि 24 घंटे पहले मिनट्स का एजेंडा चला जाए, मीटिंग का एजेंडा चला जाए, लोग प्रिपेयर होके आए। ठीक है, तो ये है कि तो कोई आपको मालूम होगा इतने बजे शुरू होगी और इतने बजे खत्म होगी, जैसे क्लास का टाइमिंग आपको पता है ना इतने बजे शुरू होगी, तो दो तीन मिनट तो आगे पीछे हो जाता है, लेकिन बहरहाल यू नो द स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम। ठीक है, तो ये है किसी को भी फोकस कराने के लिए और किसी को भी सारे लोगों को बुलाने के लिए। साइलेंसिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिस्ट्रेक्शन। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और साथ में मोबाइल फोन भी है और साथ में अम्मी भी आवाज दे रही है आपको, तो यू विल हैव द डिस्ट्रेक्शंस। ठीक है, तो साइलेंस द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल फोन। तो हम क्या करते हैं जब रिक्वायरमेंट लेने जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आपके कमरे में नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई, इसलिए होगी कि डिस्ट्रेक्शन है, आपका फोन ऑफ होगा, आपका मोबाइल और आपका लैपटॉप आपके साथ नहीं होगा, और कॉपी पेंसिल के साथ हम कॉन्फ्रेंस रूम में जाएंगे जहाँ बोर्ड अवेलेबल होगा, जहाँ कोई डिस्ट्रेक्शन, कोई आवाज नहीं आएगी, सिवाय चाय वाले के कोई नहीं आ सकता अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसलिए कि डिस्ट्रेक्शन ना हो, ये आपका माइंड है ना, किसी चीज को भी देखेगा डिस्ट्रैक्ट होगा, कोई सुनेगा डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये होल्डिंग वन कन्वर्सेशन एट ए टाइम एक्सपेक्टिंग एवरीबॉडी टू कॉन्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो एक टॉपिक है उस पर बात कर लें फिर आगे चलें, और फिर देखें एक साहब नहीं बोल रहे हैं तो उनसे पूछें क्या बात है। तो ये गाइडलाइंस है कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। फोकस ऑन कॉमेंट्स, लोग क्या कह रहे हैं, एंड पे अटेंशन। ये जो है ना, आप यहाँ तो बहुत एक बात लग रही है पे अटेंशन, लेकिन बहुत सारे लोग हैं बेचारों को अटेंशन देने में जरा मुश्किल पेश आती है, क्योंकि वो आदि नहीं है ना इसके, सुनने के, प्रोसेस करने के। बहुत सारे लोग तो डिसिप्लिन नहीं होते, आपने बात की उसने आगे से बोलना शुरू किया, भाई आप सुन तो लें मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये चैलेंजेस हैं, क्योंकि अगर लोग इस तरह की मीटिंग्स में नहीं बैठे हों तो। आखिरी वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसाइज इश्यूज रादर देन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर चार लोग बैठे हुए तो आप उसकी पर्सनैलिटी पे, उस इंडिविजुअल पे बात नहीं करें, आर्टिफैक्ट्स पे बात करें। मसलन जब मैं क्यूए की मीटिंग में बैठता हूँ तो कोई ये जुमला एक्सेप्टेबल नहीं है कि असद साहब को डॉक्यूमेंट लिखना नहीं आता है। तो भाई डॉक्यूमेंट खराब है तो डॉक्यूमेंट की खराबियां बताएंगे, पेज नंबर ये पे गलती है, ये गलती है। तो फोकस ऑन इश्यूज, फोकस ऑन आर्टिफैक्ट्स, नॉट द पर्सनैलिटी। ठीक है ना, पर्सनैलिटी में बात करेंगे उसको बुरा लगेगा क्योंकि आप बात कर रहे हैं ना। तो ये मजहब का भी तरीका है कि लोगों को बुरा नहीं कहो, जो चीज गलती है उसमें बता दो, भाई ये गलती है इस डॉक्यूमेंट में, पेज नंबर ये पे गलती है, ये गलती है, ये गलती है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो लोग कन्फ्रंट करेंगे, फिर लोग जवाब भी देंगे आपको, फिर वो बदमजगी होगी इन द मीटिंग एंड वर्कशॉप। तो डोंट डू दैट। ठीक है, वैसे भी आपको पोलाइट होना चाहिए और किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ये एक सिविलाइज्ड मैनर्स, मैनरिज्म है। जाने से पहले क्या होना चाहिए, एजेंडा होना चाहिए, वर्कशॉप का एजेंडा होना चाहिए और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, अभी सारी चीजें थ्योरी है, लेकिन जब आप एक एजेंडा लेके किसी भी चीज पे बात करके देख लें तो आपको लगेगा कि इसमें से शायद 60% 70% बात हुई है, 30% बातें ज्यादा हुई है कि ये, और मतलब वही नॉट फोकसिंग ऑन द एजेंडा। तो ये बहुत ही होता है, और इसमें अगर ज्यादा लोग हों तो एजेंडा पे कम बात होती है और साइड ट्रैक हो जाते हैं, लोग अपनी बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो ये जरा
इम्पोर्टेंट बात है कि भाई आप जब जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए मैं क्या करने जा रहा हूँ और रिक्वायरमेंट क्या लेने जा रहा हूँ। इसकी एग्जाम्पल यूँ देता हूँ कि हमारे पास कुछ इनएक्सपीरियंस बीए हैं जो रिक्वायरमेंट अगर 8 घंटे में लेनी है, फॉर एग्जाम्पल 2-2 घंटे की 4 मीटिंग करनी है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि 4 घंटे की मीटिंग में वो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ले आएंगे जो डॉक्यूमेंट बनाने में मदद देगी। लेकिन एक नए एक्सपीरियंस लोग क्या होते हैं कि जाते हैं और वो कहते हैं सर 4 मीटिंग में तो वो पूरा नहीं हो सका, अभी 2 मीटिंग और करनी है। तो मैं पूछता हूँ क्यों सर, वो इधर उधर की बातें कहने लगे थे, वो पॉलिटिक्स की बात कहने लगे थे, फिर वो कहने लगे कि सर मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलती है, इतना मुश्किल होती है यहाँ पर, बच्चे भी गुजारा नहीं होता, तो कोई सुनने वाला है तो फिर उससे बातें करना शुरू हो गए। अब ये एक आदत है इंसान की कि भाई जो बात करनी है उस पर कर लो, बाद में हम आपसे कर लेंगे, आपकी भी सुन लेंगे, ठीक है। तो इनएक्सपीरियंस लोग जो है ना, लोगों को डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, लोगों से हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो फिर बैठ के सुनते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा सीरियस इशू है कि अगर आप, अब वो जाहिर सी बात है जी सर वो तो उम्र में इतने अच्छे हैं, वो बड़े हैं और मेरे से, और वो तो हेड है फलाने के, मैं उनको कैसे रोकता था, कैसे रोकता, ऐसे ही रोकता ना कि कहता भाई मुझे ये बात करने आया हूँ, ठीक है। दिस इज वेरी कॉमन कि एजेंडन से इधर उधर बात करेंगे और आपका वक्त ज़ाया होगा। स्टे इन स्कोप, ये भी एक बात है कि आप ड्राइव करेंगे बिजनेस रिक्वायरमेंट से, ये जो टॉप की रिक्वायरमेंट है बिजनेस रिक्वायरमेंट से, फिर आप नीचे जाएंगे यूजर रिक्वायरमेंट पे, फिर आप जाएंगे फंक्शनैलिटी पे। तो इसको ट्रेस करना बिजनेस रिक्वायरमेंट को टू द स्कोप बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ग्रुप इजीली डाइव इनटू डिस्ट्रैक्टिंग डिटेल्स, ठीक है, बातें करते करते वो कुछ और भी, हाँ वो किसने भी ऐसा ही हुआ था और फिर ऐसा हुआ था, फिर वो कहानी शुरू हो जाएगी और फिर उन सबका जिक्र शुरू हो जाएगा। तो ये आपको स्टॉप लगाना होगा कि प्लीज फिर बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, तो नॉट नाउ, ठीक है। तो दोज डिस्कशंस कंज्यूम टाइम दैट ग्रुप शुड स्पेंड, ठीक है, ऑन ए हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग। अब ये सारी चीजें आपको थ्योरी लग रही हैं, लेकिन इनको अगर लिख लेंगे और अपने पास ये प्रेजेंटेशन रख लेंगे, तो जब आप उस रोल में जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको जरूरत पेश आएगी। क्योंकि जब आप पहली दूसरी मीटिंग करेंगे ना, और जब कस्टमर हैंडल नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो फिर आपको ये बातें याद आएंगी। ये बातें थ्योरी तो हैं, इनको सीखना और अडॉप्ट करना विल इम्प्रूव योर रोल, ठीक है। तो क्योंकि आप उस अभी रोल में नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको लाइटली नहीं लीजिए एक एक चीज को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो लोग इन चीजों को करते हैं तो मेरा फिर वही बात है कि क्योंकि आपको ये थ्योरी लग रही होगी और आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपने ये सब चीजें अभी नहीं किए, ठीक है। तो ऐसे लोग जो एक्सटर्नल्स के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा फीलर आएगा कि एक्सटर्नल किस तरह से बात करता है, क्या करता है, तो ठीक है। लेकिन बहरहाल ये डिस्ट्रैक्शंस और वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत कॉमन सी चीज है रिक्वायरमेंट लेते वक्त, ठीक है। वर्कशॉप में टाइम बॉक्सिंग करें। टाइम बॉक्सिंग कैसे करें, आपको मालूम हो कि मुझे ये 5 आइटम करने हैं और 1 घंटा है, तो मुझे हर चीज पे इतने इतने मिनट देने हैं, तो टाइम बॉक्सिंग, या ये वाली चीज ज्यादा डिटेल लगी तो इस पे ज्यादा 25-15 मिनट लगा दूंगा, लेकिन बाकी ये बहुत ऑर्गेनाइज करने में बहुत आपको मदद देगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप जाएं और बोले अच्छा बताइए, तो बस वो बताना शुरू करेगा शाम तक, ठीक है। तो ये एक सीजन एक्सपीरियंस आदमी पढ़ के जाएगा, तैयारी करके जाएगा, सवाल लेके जाएगा, उसको मालूम है अच्छा ये वाले पॉइंट को बाद में बात करेंगे क्योंकि हमारा टाइम गुजर चुका है, हम ये वाला, तो वो कंट्रोल करेगा उस डिस्कशन को, उस वर्कशॉप को, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम होना चाहिए इस पे इतना, तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज भी है जो टाइम बॉक्सिंग लगा के जा रहा है। इससे क्या होगा, इट विल हेल्प यू इन अवॉइडिंग स्पेंडिंग मोर टाइम देन इंटेंडेड, ठीक है। तो एक टॉपिक कवर ही नहीं हुआ और एक में बहुत बात हो गई, तो फिर आके दोबारा से मीटिंग करेंगे क्या, दोबारा से मीटिंग करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, सर लोगों को बुलाना, एक्सटेंड करना, किसी से आपको जाना होगा, वो पहले से कह के आए थे कि मैं इतने बजे मीटिंग खत्म होगी तो मैं आ जाऊंगा, वो मीटिंग ही नहीं खत्म हो रही, ठीक है। तो दिस विल हेल्प, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन सी चीजें और ये बहुत होती हैं कि जी वो 10:30 बजे शुरू होनी थी तो शुरू ही नहीं हुई, तो 11:30 बजे खत्म होनी तो 11:30 बजे खत्म नहीं हुई, अब आपने जाके क्लास लेनी है या और काम करना है, मीटिंग करना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट एट टाइम एंड एट टाइम, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे जाने से पहले समराइज कर लें। अच्छा ये बहुत चीज है, बहुत हेल्प करती है, जब हम मीटिंग करते हैं हम कहते हैं देखिए अभी तक की ये बात हुई है, क्योंकि अभी जो बात हुई है ना वो बहुत ताज़ा ताज़ा है,
तो मूविंग टूवर्ड्स अनदर पॉइंट एंड अनदर पॉइंट एंड अनदर पॉइंट प्रॉब्ली मिक्स अप द पॉइंट्स. तो ये बहुत ही बात है कि 5 पॉइंट पे बात करनी थी तो अभी तक ये बात हुई है. तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ही है, मैंने नोट्स ले लिए. और कोई बात है तो बता दें, देन वील मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, देन वील मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, तो ये थोड़ा सा सोच लीजिए कि भाई अगर 5 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, 3 पॉइंट है तो कैसे बात करनी है. समराइज द स्टेटस, ये आखिरी वाली लाइन. ठीक है ना, टाइम बॉक्सिंग है तो आप क्या करें, समराइज द स्टेटस एंड नेक्स्ट स्टेप बिफोर लीविंग द टॉपिक, यानी नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले ये आप कर लें. वर्कशॉप में बहुत सारे लोगों को शामिल ना करें. ठीक है, कीप द टीम स्मॉल बट द राइट स्टेक होल्डर्स. अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, तो ये अगर आप ज्यादा लोग बिठाएंगे तो फिर मसला हो जाता है. ठीक है, तो 5-6 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 10-12 लोग हैं तो भी शायद कंट्रोल हो जाता है. लेकिन अगर 15-20 लोग हैं तो फिर तो वो क्या करते हैं कि अपनी साइड में अपना बात कॉन्करेंट कन्वर्सेशन और आर्ग्यूइंग शुरू हो जाते हैं, जो बात एक्चुअली है वो तो हो नहीं रही और हर आदमी अपना अपना लगा हुआ है. ठीक है, वो खाने की बात कर रहा है, कोई किसी और चीज की बात कर रहा है, बिकॉज उसका इंटरेस्ट नहीं है ना वो. तो लेसर पीपल, 5-6 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये एक वो है, आपको एडवाइस है. वर्कशॉप पार्टिसिपेशन कुड इंक्लूड द प्रोडक्ट चैंपियन. अभी आपको मालूम होना चाहिए प्रोडक्ट चैंपियन कौन होता है. ठीक है ना, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी सीख लीजिए. प्रोडक्ट चैंपियन भी कहते हैं या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी कहते हैं उसको. ठीक है, ये वो आदमी है जिसको डोमेन की नॉलेज उसमें बहुत अच्छी है. ठीक है, एचआर का सिस्टम बना रहे तो एचआर का मैनेजर या उसके जो लोग हैं वो उस डोमेन के बहुत अच्छे एक्सपर्ट होंगे. बिजनेस एनालिस्ट भी है. ठीक है, डेवलपर, टेस्ट इंजीनियर, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन है. नॉलेज एंड देयर एक्सपीरियंस एंड देयर अथॉरिटी, ये उसको क्वालिफाई करेगा कि आप इस वर्कशॉप में बुलाए ना बुलाए. तो ये वही है, सिलेक्टेड लोगों को बुलाएंगे तो आप सोचेंगे किसको बुलाना चाहिए किसको नहीं बुलाना चाहिए. कुछ लोगों की नॉलेज होगी लेकिन वो वक्त जाया करेंगे, आके वक्त जाया करते हैं. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, कीप एवरीवन एंगेज. ठीक है, अब ये थोड़ा सा चैलेंज है क्योंकि लोगों की पर्सनैलिटी अलग होती है, लोग हर आदमी बोलता नहीं है, तो दीज आर द रीजंस. ठीक है ना, तो आपको बहुत ही केयरफुली, बिकॉज यू आर अ फैसिलिटेटर, यू आर अ मॉडरेटर, आपको मालूम है एक आदमी की नॉलेज है और वो तो बोल ही नहीं रहा, तो वो बोलेगा नहीं जब तक आप उसे पूछेंगे नहीं, तो आपको पूछना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें, ठीक है ना, परहैप्स देयर इनपुट इज नॉट बीइंग. अब ये बहुत सारी चीजें इसकी वजह से हो सकता है कि एक आदमी है जो बोल ही कुछ नहीं रहा. क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि आपने जब पहली दफा पूछा था तो जब वो बता रहा था तो किसी ने सीरियसली नहीं लिया, तो फिर वो चुप हो गया. ठीक है, तो ऐसे लोग थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, तब आपको ये देखना होगा ये सेंसिटिव आदमी तो नहीं है. ठीक है, फिर एक आदमी है जो बोलने लगा लेकिन जब उसका बॉस या कोई और आदमी बोला जो कि बहुत ही अग्रेसिव है तो वो चुप हो गया, कि अब मैं क्या बोलूं. तो कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा जोर से और बहुत अग्रेसिवली और टेबल पे हाथ मार मार के बोलते हैं, तो बराबर वाला भी उनके जैसा है तो ठीक है, वरना वो चुप हो जाएगा कि अच्छा भाई आप ही बोल लीजिए. ठीक है, अच्छा ये भी एक वीकनेस है पर्सनैलिटी की, कि जो बहुत ऊंची आवाज में और मुक्के मार मार के बोल रहा है इसका मतलब है उसको अपनी लॉजिक पे भरोसा नहीं है. ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी की थोड़ा समझेंगे आपके कौन लोग होते हैं जो इस तरह से बिहेव करते हैं. जो नॉलेजेबल आदमी होगा बहुत ही लॉजिक के साथ बात करेगा, धीमी आवाज में बात करेगा और वो इतना अग्रेसिव नहीं होगा. फैसिलिटेटर मस्ट रीड द बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब मैं अगर क्लास में ले रहा हूँ तो मैं बच्चों को देख रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि भाई किसकी समझ में आ रहा है किसकी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ जरा मुश्किल काम है. तो बॉडी लैंग्वेज देखना बहुत जरूरी है. बॉडी से आपका पता चलता है कि क्या है, मतलब बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, आई कॉन्टेक्ट है, सारी चीजें. To understand why someone has tuned out of the processes, try to re-engage. एक आदमी है तो हम जब से बात कर रहे हैं वो चुपचाप बैठे हैं बस. So try to re-engage. जैसे आपका क्या ख्याल है, अच्छा आपने इस बात पे कुछ कहा नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने लोगों उनका इनपुट हो, वरना तो आप उनको शामिल ना करें अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ये पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड कर सकता है कि कुछ लोग जब तक पूछा ना जाए बताएंगे नहीं, या जब उनको इंकरेज नहीं किया जाएगा वो बताएंगे नहीं. कुछ लोग हैं अभी आपने बात नहीं शुरू की तो हर जुमले में वो अपनी कहानी सुनाएंगे, हाँ मैं भी बताता हूँ, तो उनको आपको चुप कराना होगा, जो नहीं बोल रहे हैं उनसे आपको सुनना होगा. ठीक है, ये वो मॉडरेटर वाला रोल है. फोकस ग्रुप, सॉरी
जैसे वर्कशॉप होता है वैसे फोकस ग्रुप भी होता है, दोनों में एक से ज्यादा लोग, 5-6 लोग होते हैं। तो वर्कशॉप और फोकस ग्रुप में ये फर्क है कि फोकस ग्रुप एक खास किस्म के फोकस पे एक मीटिंग बुलाई जाती है, कोई प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी पे या एप्रिसिएशन पे या बिहेवियर पे या क्वालिटी पे, तो समथिंग इज वेरी फोकस्ड, इस पे बात करनी है, ठीक है। तो इस पे वो स्पेशलाइज किस्म के लोग बुलाए जाते हैं जो या तो वो एप्लीकेशन यूज कर चुके होते हैं या उनके बारे में बहुत नॉलेजेबल होती है, ठीक है। तो पहले वाले उसमें मतलब डिफरेंट सेक्शंस के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंट सेक्शन के बजाय वो लोग होते हैं जिसको इस चीज पे नॉलेज होती है, जिनसे इनपुट लिया जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फोकस ग्रुप, ठीक है। तो ऑफन यू विल हैव द लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड यूजर बेस, लेकिन इसमें भी कंट्रोल करना लोगों को, ठीक है। तो इसमें एडवाइज ये है कि उन लोगों को शामिल करें जो पुराने वर्जन को यूज कर चुके हैं या उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो आप अच्छा इनपुट ले पाएंगे। ऑब्जर्वेशन, ये भी एक तरीका है रिक्वायरमेंट लेने का, और ये बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है? सपोज ठीक है, ये वास्तव होता है क्या कि आपको प्रोसेस बताया जाता है कोई लंबा सा, कि यहाँ से ये होता है यहाँ से होता है, कोई असेंबली है या कोई मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप लिख लेते हैं, लेकिन एडवाइस ये कि जाके देख लें, लोगों का बिहेवियर देख लें, तो ये एक अच्छा प्रोसेस है। अच्छा होता ही है कि एक आदमी जो 5 साल से 10 साल से एक ही काम कर रहा है, तो उससे पूछेंगे तो बहुत सारी चीजें मिस कर देगा, क्योंकि वो करता है लेकिन आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि लेकिन जब आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा वो ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, और बाज दफा आपको कुछ बताएगा जो आपको लगेगा कि ये कैसे करता होगा, तो भी जाके देख लें। तो जितना प्रोसेस आपको समझ में आएगा, जितना ऑपरेशन समझ में आएगा, उतनी आप उसके हिसाब से एप्लीकेशन बना पाएंगे, ठीक है। मैं एक जगह एक एप्लीकेशन बना रहा था मैन्युफैक्चरिंग की, तो यूजर ने कहा कि हमारे यहाँ 2 शिफ्ट होती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग नाइट शिफ्ट। कहेंगे आप सरप्राइज होंगे कि हमारी नाइट शिफ्ट की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, हालांकि कोई भी नहीं होता है, कोई देखने वाला नहीं होता, लेकिन हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, लेकिन हमारी मॉर्निंग शिफ्ट जो है ना वो जो उसमें वो प्रोडक्शन कम होती है। मैंने कहा क्यों, उसमें तो सारे लोग होते हैं। कहेंगे हाँ सारे लोग तो होते हैं लेकिन काम का काम नहीं होता है। मैंने पूछा काम का काम क्या मतलब, कभी मीटिंग के बुला लेते हैं, कभी इसके लिए बुला लेते हैं, कभी कहेंगे जो हमारा काम है वो तो हो नहीं पाता है। तो देन आई हैड टू कम इन द नाइट, उनके साथ मुझे 2-3 घंटे लगाने पड़े। तो देखा सुकून से हर आदमी अपना काम कर रहा है, कोई मसला ही नहीं है। लोग सोने भी जाते हैं तो एक आदमी देख रहा है, दूसरा आदमी चला गया सोना है, फिर वापस आ गया। एवरीबॉडी इज इन चार्ज ऑफ देयर ओन वर्क, तो कोई पूछने वाली नहीं। सुबह में तो क्या होता है, चेयरमैन साहब ने बुला लिया, इन्होंने बुला लिया, उसने बुला लिया, तो वो टीम जो है वो भाग दौड़ में रिपोर्टिंग करने में ही निकल जाता है आधा से ज्यादा टाइम। तो देन यू ऑब्जर्व, ठीक है ना, यू गो एंड यू अंडरस्टैंड कि भाई क्या है, ठीक है। इसी तरह से एक एप्लीकेशन थी हमने बनाई, तो लोगों ने कहा ये बहुत मुश्किल है। मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह रहे हैं सर कहाँ मुश्किल है। अब एक आदमी जिसने DHS उफा से पढ़ा हो और BS किया हुआ हो तो शायद उसके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो मैट्रिक इंटर पास हैं, जिनकी एजुकेशन नहीं है, उनके लिए मुश्किल है। तो देन यू गो एंड ऑब्जर्व, तो आप उनको चुपचाप यूज करते हुए देखेंगे, उस बेचारे से कीबोर्ड नहीं चल रहा है या उसको पढ़ा नहीं जा रहा है या उसको चैलेंज आ रहा है, तो ये ऑब्जर्व करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है। तो उसमें आपकी एप्लीकेशन जबरदस्त होगी लेकिन नेविगेशन मुश्किल है या सारी चीजें, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट काम है जब जब आपको कुछ चीजें देखने की जरूरत है। तो प्रिसाइज डिटेल ये आपको मालूम हो जाएगा, और ये जिसे आप पूछ रहे हैं तो क्योंकि वो 5 साल से ये काम कर रहे थे, इट्स हार्ड टू रिमेम्बर एवरी डिटेल। वो कर रहा होगा लेकिन आपको बता नहीं पाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मिस कर जाएगा, तो आपको खुद जाके देखना होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या करती है, ऑब्जर्वेशन क्या करती है, ये वैलिडेट करती है जो कुछ बताया होता है ना आपने, तो आप उसको देखते हैं कि हाँ ये बात सही है या ये बात सही नहीं है। तो आप जरा देखते हैं, जैसे कहा ना एप्लीकेशन बहुत मुश्किल है आपकी, जाके देखा मैंने, मेजोरिटी लोगों को एंटर नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा यार मुश्किल है, हमको इसका स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर सकते हैं, करंट सिस्टम में कोई चीज देख सकते हैं, ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन कहलाती हैं, तो ये आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। अब ये खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग या ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन,
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर कोई छोटी सी है जहाँ पर यूजर बता रहा है, जहाँ कीबोर्ड है और माउस है, तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ जाके आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा लोगों को. भी दो तरह से होती है ऑब्जर्वेशन, एक साइलेंट होती है, एक इंटरेक्टिव होती है. ठीक है, साइलेंट इंटरेक्शन क्या है, जहां आप सवाल नहीं पूछते, ठीक है, आपको इजाजत नहीं है, इसको शेडोइंग भी कहते हैं, कि आप जाएंगे चुपचाप देखेंगे, आप यू आर नॉट सपोज टू, या तो स्पीड की वजह से या फिर किसी और वजह से, कल्चर की वजह से आप बात नहीं करेंगे. ठीक है, अच्छा, बहुत जगह ऐसा भी है कि जहाँ आप टाई और पैंट, टाई और सूट में नहीं जाएंगे, आप टाई उतारेंगे, जैकेट उतारेंगे और बहुत ही इनफॉर्मल होकर जाएंगे, तो वहाँ लोग फिर आप मिसमैच होंगे. तो ये है, ठीक है, ताकि लोग आपसे खौफ ज्यादा ना हो, लोग आपसे डरे. आप एज्यूम कर लीजिए मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, बिल्कुल अजीब से ड्रेस में, और आप सूट वूट पहन के जा रहे हैं, तो वो समझेगा कोई. तो ये एक चीज है. इंटरेक्टिव ऑब्जर्वेशन ये वैसी है जहाँ पर आप सवाल करने की आपको इजाजत है, उसके पास टाइम भी है, स्पीड का कोई मसला नहीं है, तो गो एंड आस्क. ठीक है, तो ये दो तरह से होती है. तो मेरे ख्याल से अभी तक तो आप यूज नहीं करेंगे, लेकिन बाहर क्वेश्चन आयर ये भी बहुत कम यूज होगा. ठीक है, लेकिन क्योंकि एक टूल है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ. ये इनएक्सपेंसिव है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आयर भेज दिया, उसमें भरवा दिया. ठीक है, तो ये किसी सर्वे करने के लिए होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट लेने के लिए जरा कम यूज होता है. और इसमें दो तरह से हैं, जैसे आप इंटरव्यू करते हैं ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, तो इसी तरह से क्वेश्चनायर भी ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन भेज दिया और उसका जवाब लिख लिया. अच्छा, हो तो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की फीडबैक आ सकते हैं. तो क्वेश्चनायर नॉर्मली क्लोज एंडेड होता है और उसके दो तीन आंसर होते हैं ऑप्शन, उसको टेबलेट करना या उसको उसका रिजल्ट निकालना जरा आसान हो जाता है. ठीक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और बहुत सारे लोगों ने पहले से ही पढ़ा होती होगा, तो आई एम नॉट वेस्टिंग एनी टाइम. इस पे आ जाते हैं. अब ये सिस्टम इंटीग्रेशन है, कोई एक सिस्टम आप जो लगा रहे हैं वो खुद काम करेगा, खुद का डेटाबेस होगा, खुद की फंक्शनैलिटी होगी, लेकिन इसमें फलानी चीज जो है ना वो पुश करेगा या फलानी चीज पुल करेगा. जैसे अगर हमने पुराने सिस्टम की अभी बात करें, जो हमने जो कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम था, तो कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम में वो जो भी अमाउंट बनती थी वो आपके पे रोल में हिट करता था. ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए का आज खाना खाया, तो वो पे रोल में जाके हिट करता रहता था, फिर वो मंथली एक्यूमुलेट करेगा, रोजाना जो भी आपने खाया उसको जमा करेगा. फॉर एग्जाम्पल 5000 का खाना बना, तो 5000 वो डिडक्ट कर देगा. तो ये पुश हो रहा है इसमें पे रोल सिस्टम में, और पे रोल सिस्टम में एक फंक्शनलिटी लगेगी, जो टोटल होगा वो आपकी सैलरी से माइनस हो जाएगा. ठीक है, या मंथ एंड पे हो जाएगा, या मैं यही कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम में ऐड करता रहूंगा आपकी सारी चीजों को. ठीक है, रोजाना की अमाउंट, आज कितने दिन खाया, सबको ऐड करता रहूंगा, और फिर मंथ एंड जब होगा, जिस दिन आपकी पेरोल चलती होगी, उस दिन मैं उसको एक अमाउंट भेज दूंगा, कैसे सामने 500 रुपए का खाना खाया, तो 500 रुपए की अमाउंट माइनस हो जाएगी, वो अमाउंट जो है कैफेटेरिया को चली जाएगी और आपको आपकी तनख्वाह मिल जाएगी. तो ये किस तरह से होगा, इस तरह से होगा कि जो सैलरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है या अमाउंट है, उसका मुझे मालूम होगा कि कितना करेक्टर होता है, तो वही मैं अमाउंट यहाँ से पुश करूंगा, वो उसमें से डिटेक्ट हो जाएगी. तो इंटरफेस करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए मुझे किसी सिस्टम से बात करनी होगी ना, तो मुझे मालूम होगा कि कनेक्ट कैसे होगा, एक्सचेंज ऑफ डेटा कैसे होगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे बतानी चाहिए. और ये हमने जब कॉन्टेक्स्ट डायग्राम और इको सिस्टम बनाया था, तो भाई ये कॉन्टेक्स्ट में ये बनाया था ना कि ये सिस्टम किस किस से बात करेगा या क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है, तो ये इकोसिस्टम में भी बनाया था और हमने कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में भी बनाया था, तो लोग दोबारा से पढ़ लें जो पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो यू आइडेंटिफाई द फंक्शनैलिटी इन द अदर सिस्टम. क्या बाज दफा होगा कि आप खाली इंफॉर्मेशन पुश करेंगे लेकिन उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी. तो एक सिस्टम तो आप बना रहे हैं, दूसरा सिस्टम आप नहीं बना रहे, तो उसके ओनर से या उसके डिवेलपर से बात करनी पड़ेगी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप ये आइसोलेशन में नहीं कर सकते. अगर इंटीग्रेशन हो रही है तो दूसरा वाला सिस्टम एक्सेप्ट करेगा और फिर उसके आपकी इंफॉर्मेशन आप दे देंगे, तो फिर वो उसको प्रोसेस करेगा. तो कितना डेटा चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए. ठीक है, आपकी ट्रांजेक्शन 20 करेक्टर की है तो कह रहे हमारे यहाँ तो 12 करेक्टर से ज्यादा नहीं है, तो फिर आप उसको ट्रंक करेंगे, 12 करेक्टर में भेजेंगे. ठीक है, ये सारी चीजें आपको, डेटा फॉर्मेट, तो डेटा फॉर्मेट भी उसी में होना चाहिए और फिर उसकी लेंथ भी उतनी होनी चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सारी इंटीग्रेशन के अंदर है. ठीक है,
यूजर इंटरफेस एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और नॉर्मली क्या होता है कि आप जिस तरह से SRS शेयर कर लेते हैं कस्टमर से पहले कि भाई ये SRS का टेम्पलेट है, देख लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसी तरह से एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस शेयर हो जाना चाहिए कि भाई हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। एक होता है टॉप डाउन और एक होता है कि स्क्रीन्स पे यानी बटन्स के ऊपर चलने वाला, तो अब नॉर्मली जिस तरह से चलता है वो आपको एक एप्लीकेशन देख लेनी चाहिए और जो भी आपका यूजर इंटरफेस है वो कस्टमर को भिजा देंगे भाई ये होगा इसमें से कोई देख लीजिए, ठीक है। तो आई डोंट नो अगर आपने बहुत ही कमर्शियल एप्लीकेशन अगर देखी है, अगर आप एग्जांपल ले लें विंडोज को एग्जांपल ले लें, SAP को या कोई भी ओडो को जो कमर्शियली एप्लीकेशन यूज होती है, तो आप एक नोटिस लेंगे कि ये रंग बिरंगी नहीं होती है, वाइट बैकग्राउंड होगा और ब्लैक एंड ग्रे कलर होंगे और जो चीज सेलेक्ट होगी वो ग्रीन होगी, तो एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं ये। किस वजह से करते हैं, क्योंकि ये बकायदा रिसर्चर होते हैं कि इंसान का माइंड किन चीजों से अट्रैक्ट